अब हम बच्चे होते हैं तो सोना नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कैसे भी करके एक घंटा और सोने को मिल जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि नींद हमारे मूड पर भी असर डालती है? अनिद्रा का अल्जाइमर्स डिजीज, कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और खराब मानसिक स्थिति से बड़ा गहरा संबंध है। आपने सुना ही होगा कि हमें कम से कम 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने घंटे की नींद अनिद्रा की श्रेणी में आती है? 5 घंटे? 4 घंटे? आपको सुनके आश्चर्य होगा कि 7 घंटे से कम की नींद आपके शरीर के लिए घातक है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप 7 घंटे या इससे कम नींद ले रहे हैं तो आप उस समूह का हिस्सा हैं जो नींद की कमी से जूझ रही है, और जरूरत है कि आप चीजों को बदलें। इंसानों का इवोल्यूशन इस तरह नहीं हुआ कि वो 7 घंटे से कम की नींद में सर्वाइव कर सकें। हम इसे हैंडल ही नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ एक रात को ठीक से नहीं सोते तो आपके शरीर में कैंसर से लड़ने वाली सेल्स में 70% तक गिरावट आ जाती है। कई स्टडीज में सामने आया है कि जितनी कम आपकी नींद होगी आपका जीवन भी उतना ही छोटा होगा। जरा देखिए, सिर्फ अनिद्रा के चलते इन कंट्रीज को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। इसे हमें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आखिर हम अनिद्रा यानी नींद की कमी से जूझ क्यों रहे हैं? क्या हम हमेशा ऐसे ही थे? नहीं, नींद की कमी एक बढ़ती हुई महामारी की तरह है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी आज की जीवन शैली जिम्मेदार है। चीजें जैसे कि स्ट्रीट लाइट से आने वाली रोशनी, हमें नींद से डिस्ट्रैक्ट करने वाले हमारे स्मार्टफोन्स, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स और फिर सोशल लाइफ, जिम जैसी चीजों ने हमारा दिन और भी स्ट्रेच कर दिया है। हमारे बीच एक बड़ी विचित्र बात ये प्रचलित है कि सोना तो आलसी लोगों का काम है, जबकि ये गलत है। वास्तव में ऐसा स्मार्ट लोगों के साथ होता है। और कमाल की बात यह है कि इस महामारी को ठीक करने के लिए किसी भी दवा की जरूरत नहीं, बस जरूरत है कि हम खुद को नींद के महत्व के बारे में जागरूक करें। साथ ही हमें चाहिए कि हम 8 घंटे की नींद का एक शेड्यूल तैयार करें। ये 4 चीजें हैं जो आपको 8 घंटे की नींद के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। नंबर 1, सही नींद आपको स्लिम रखने में मदद करेगी। जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनका वजन अक्सर ज्यादा तो होता ही है, साथ ही उनमें ओबेसिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। नंबर 2, नींद हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। लंबे समय से चली आ रही नींद ना आने की बीमारी डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकती है। नंबर 3, उचित नींद हमें किसी भी तरह की हार्ट डिजीज से बचाती है। नंबर 4, नींद फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो 8 घंटे की नींद किसी दवाई की तरह है जो कई तरह की बीमारियों से आपको दूर रख सकती है।